गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेलकल 500 एमजी टैबलेट के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो टैबलेट है इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है इसके बारे में बात करेंगे। इसका कॉम्पोजिशन जो है ना, वो कौन से पार्ट पे क्या काम कर रहा है वो हम जानेंगे। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन लोगों को लेना चाहिए, क्या क्या इसका डोज है जो कि एक एडल्ट लेता है, और क्या इसके साइड इफेक्ट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास है यहाँ पे सेलकल 500 mg टैबलेट। अब इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बना रखा है, यानी ये टॉप 10 कंपनी है इंडिया की। और ये जो टैबलेट है बहुत ही अच्छा टैबलेट है, आपके कैल्शियम टैबलेट है और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है ये। अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा कैल्शियम होता है इसके अंदर और साथ ही विटामिन D3 होता है। अब ये दोनों का काम क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो कैल्शियम होता है ना, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो लो BP हो जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है। साथ ही नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम चाहिए। और जो इसका मेजर काम होता है वो हमारे बोन्स में होता है। आपको पता है कि हमारे जो बोन्स है इसके अंदर 99% जो होता है वो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और बाकी का 1% जो होता है ना वो हमारे ब्लड के अंदर होता है जो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो गाइस, जब भी हमारे ब्लड को नीड होती है कैल्शियम की, वो क्या करता है, वो हमारे इस बोन से ही लेता है। हमारे चाहे वो बोन्स जहाँ भी होते हैं, जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्शियम इन बोन्स के अंदर, तो वहीं से धीरे धीरे वो क्या करता है, हमारा ब्लड कैल्शियम ले रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैल्शियम की कमी की हो जाती है हड्डी में। अब ये क्या पूरा करेगा, तो ये हमारा टैबलेट पूरा करेगा। तो गाइस, कैल्शियम यहाँ पे इसलिए है कि इस कैल्शियम की कमी को ये पूरा कर रहा है। बट अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हो तो वो क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके साथ आपको विटामिन D3 भी लेना पड़ता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो आप भूल जाओ कि जो कैल्शियम आप ले रहे हो वो एब्जॉर्ब होगा। तो गाइस, ये टैबलेट इसीलिए है कि यहाँ पर विटामिन D3 भी आपको मिल रहा है, ताकि वो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा दे, जिसके वजह से जहाँ पे आपको कमी है वहाँ पे ये कैल्शियम जाके लग जाएगा उस एरिया पे, उस बोन में। तो गाइस, ये हमारे टीथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम, आपको मालूम है टीथ डेवलपमेंट के लिए। और गाइस, थोड़ा सा आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये विटामिन D3 अभी आपने सुना, इसका रोल क्या है, कैसे ये एब्जॉर्ब करवा रहा है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। विटामिन D3 जब हम इस टैबलेट को ले रहे हैं तो इसमें दोनों चीज़ें, कैल्शियम भी है जो कि अभी एब्जॉर्ब नहीं होगी। विटामिन D3 क्या करेगा कि वो लीवर में जाएगा, और इस लीवर में जाने के बाद मेटाबोलाइज हो जाएगा और अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, जिसको कैल्सिट्रियोल कहते हैं। वही कैल्सिट्रियोल जो है वो हमारी GIT पर पूरा काम करेगा, जिसके थ्रू जो हमारा इंस्टेटाइन है वहाँ से अब कैल्शियम जो इसके अंदर प्रेजेंट था वो क्रॉस करेगा और एब्जॉर्ब होगा कैल्शियम इस तरह से, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर वो कैल्शियम जो है वो चला जाएगा। उसके अलावा जो हम खा पी रहे हैं उसमें जो कैल्शियम है, अब उसका इस टैबलेट खाने के बाद से उसका भी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रॉपर कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में लगेगा। तो गाइस, आपने देखा कितना अच्छा ये टैबलेट है। तो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर के कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। अब बेनिफिट्स तो मैंने आपको एक तो बता ही दिया कि अब ऑस्टियोपोरोसिस, इस दौरान क्या होता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हड्डी जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कहीं पे चोट और लगने की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है और कट आवाज़ भी आती है। तो गाइस, ये एक हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन जो होती है वो भी ले सकती है इसको, और वो डॉक्टर के कंसल्ट करवा के ही ले। और तीसरा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इस दौरान भी लिया जाता है इस टैबलेट को, बिकॉज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है कम प्रोडक्शन होता है, और वही काम करता था रेगुलेट करने का काम करता था कैल्शियम को। तो गाइस, उसकी वजह से कैल्शियम की भी कमी हो रही थी, तो ये उसमें भी काम आता है। तो गाइस, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो गाइस, इसके अलावा अगर हम जो मैं बात करने वाला हूँ वो हो गया डोज के बारे में। तो डोज के बारे में देखा जाता है, एक नॉर्मल एडल्ट को पहली बात तो ये डॉक्टर के कंसल्ट से लेना है। लीवर पेशेंट या कोई अगर अदर आप मेडिसिन खा रहे हो, तब आपको डॉक्टर को बताना है कि हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, क्या उस मेडिसिन के साथ इसको लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे आपस में मेडिसिन जो होती है वो इंट्रैक्ट करते हैं, इंट्रैक्शन आपस में कॉज होता है।
तो गाइस ये नॉर्मल डोज है इसका कि एक दिन में एक टैबलेट आपको लेना है और आफ्टर फूड लेना है, यानी खाना खाने के बाद आपको लेना है एक टैबलेट। और गाइस ये मैं बता देता हूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे वो आपको ज़्यादा डोज में लेने को बाद देखने को मिलेंगे। जैसे आपने दो टैबलेट ले लिया उस टाइम पे आपको ये जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके हड्डियों में दर्द होने का, कॉन्स्टिपेशन और नौजिया वॉमिटिंग, वो तो नॉर्मल होता ही होता है। तो गाइस ये मेरे को आपको बताना था, जो मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ। और ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो मैं कैल्शियम की कमी हो रही है वो क्यों हो रही है, वो आखिर किस रीज़न की वजह से हो रही है। तो आपको मालूम है कि मिल्क इंटॉलरेंस, यानी जिन लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध दही ये सब नहीं खाते हैं, तो गाइस उसके अंदर तो कैल्शियम की कमी तो होगी होगी साथ ही। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, यानी कोई ज़्यादा प्रोटीन खा रहा है, कोई ज़्यादा नमक खा रहा है, तो प्रोटीन और ज़्यादा नमक खाने की वजह से भी कैल्शियम का लॉस होता है। तो इन सब की वजह से ये कैल्शियम की कमी होती है। तो ये टैबलेट वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है जिसका यूज़ हमारे फैमिली में भी होता है और हमने भी ये किया हुआ है, इस वजह से इस पर आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये है सेल्कल 500 mg टैबलेट। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।